नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर एक ही लाइव स्ट्रीमिंग को लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं कैसे हम OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके यूट्यूब पर एक ही लाइव स्ट्रीमिंग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पीसी पर और सबसे पहले अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है और इसमें मैंने अपना कैमरा भी ऐड कर रखा है। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, सीखना है, तो इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उन वीडियोज़ को देख कर आप OBS स्टूडियो को पूरी तरह से सीख सकते हो। OBS स्टूडियो में नॉर्मली जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो लाइव स्ट्रीमिंग आपकी लैंडस्केप मोड में होती है, यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इस तरह की लैंडस्केप मोड में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है YouTube पर। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग को लैंडस्केप के साथ साथ वर्टिकल भी कर सकते हो, यानी आपके YouTube चैनल पर एक साथ यही लाइव स्ट्रीमिंग आपकी लैंडस्केप में भी चलेगी और साथ ही साथ आपकी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी चलेगी। तो सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए हमें जाना होता है अपने YouTube चैनल पर। तो जब आप अपने YouTube चैनल पर लॉग इन करते हो, यहाँ पर ऊपर की साइड एक प्लस का बटन आ रहा है, क्रिएट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गो लाइव का, आपको गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक करते हो, YouTube का लाइव कंट्रोल रूम यहां पर ओपन हो जाता है। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्ट्रीम, वेबकैम, मैनेज, आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू, आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल दे देना है। मैंने यहां पर लिख दिया है हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है वो सब आपको यहां पर अपना एंटर कर देना है। हैशटैग वगैरह जो भी आपको लगाने हैं वो सब आप यहां से कर सकते हो। यहां से आप अपना थंबनेल लगा सकते हो, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग का थंबनेल है वो यहां से आप ऐड कर सकते हो। अपलोड थंबनेल पर क्लिक करो और जो भी आपका थंबनेल है वो आप लगा सकते हो। मान लो मैं ये यहां पर लगा देता हूं, ये हमारा थंबनेल हो जाएगा। सारा कुछ सेट करने के बाद अब आपको यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, अब यहां पर आपको कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हो जाते हैं। लाइव चैट आपको ओपन रखना है नहीं रखना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहां से आपको अपनी प्राइवेसी सेट कर लेनी है, इसे प्राइवेट रखना है, अनलिस्टेड रखना है या पब्लिक रखना है। तो मैं इसे यहां पर फिलहाल पब्लिक पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद हम यहां डन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आप शेड्यूल, टाइम और डेट कर सकते हो, जो भी आपको जिस समय करनी हो वो आप कर सकते हो। तो मैं यहां पर डन पर क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे ही आप यहां पर डन पर क्लिक करोगे, कुछ ही सेकंड में आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर क्रिएट हो जाएगी। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अब यहां पर नीचे आप देख रहे हो स्ट्रीम की का यहां पर ऑप्शन आता है। यहां आ रहा है स्ट्रीम सेटिंग, एनालिटिक्स, स्ट्रीम हेल्थ, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। यहां से आपको ये वाली जो स्ट्रीम की है, ये स्ट्रीम की आपको कॉपी कर लेनी है। तो स्ट्रीम की को हम यहां से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो में। तो अब हम वापस आ चुके हैं अपने OBS स्टूडियो में। OBS स्टूडियो में यहां पर नीचे की साइड आप देख रहे हो सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें जाना है यहां पर, यहां आप देख रहे हो दो तीन ऑप्शन यहां ओपन हो गए। इसमें आपको एक स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा है, स्ट्रीम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर कनेक्ट यूट्यूब रिकमेंडेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज स्ट्रीम की एडवांस, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर जो सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको प्राइमरी यूट्यूब इज्जेंस सर्वर सिलेक्ट कर लेना है और सर्विस में आपको यूट्यूब RTMPS सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर स्ट्रीम की का जो ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपको वो स्ट्रीम की कॉपी कर देनी है जो अभी हमने यूट्यूब से कॉपी करी थी, वो हमें यहां पर पेस्ट कर देनी है। इस पर क्लिक करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सिंपल आपको यहां अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, आपकी स्ट्रीम की का सेटअप यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं, तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। मैं YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर ले जाकर आपको दिखाता हूं कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो OBS की फीड है वो हमारे YouTube पर आ रही है नहीं आ रही है, वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का जो OBS का फुटेज था वो यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही मैं यहां पर गो लाइव पर क्लिक करूंगा, हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी
YouTube चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ से गो लाइव पर क्लिक कर दिया है और अब हमारी जो हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारे YouTube चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। ये हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग हमारे YouTube चैनल पर इस समय चल रही है। इसके बाद इसे मिनिमाइज करते हैं, वापस चलते हैं अपने OBS स्टूडियो पर। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग है वो तो यहाँ पर चली रही है, अब मैं चाहता हूँ यही लाइव स्ट्रीमिंग हमारे उसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर वर्टिकल फॉर्म में भी चले, यानी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारी हो। नॉर्मली OBS के अंदर ये सुविधा नहीं होती है कि आप एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओ, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप OBS की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। यहां पर आप देख रहे हो एक प्लगइन आपको दिखाई दे रही है, एटम वर्टिकल 1.4.2, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहां पर गो टू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही सेकेंड में ये प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। ये प्लगइन हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कर देना है, हमें कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, एक बार फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब ये प्लगइन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, कंप्लीटिंग द वर्टिकल कैनवास सेटअप विजार्ड। अब आपको यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको अपने OBS स्टूडियो को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ये प्लगइन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें अपने OBS स्टूडियो को रीस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने OBS स्टूडियो को दोबारा से स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हो OBS के अंदर आपको बहुत सारे वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर एक पैनल हमारा ओपन हो चुका है, वर्टिकल यहां पर लिखकर आ रहा है। तो OBS में वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का एक सेक्शन यहां पर ऐड हो चुका है। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो इस साइड भी सीन्स के अंदर भी वर्टिकल सीन्स का एक ऑप्शन ओपन हो गया है। सोर्सेज में आप देखोगे तो यहां पर भी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सोर्सेज वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। सीन ट्रांजिशन में भी सब कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे हो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का ये जो पैनल ओपन हो गया है, इसमें आपको नीचे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट या स्टॉप करने का ऑप्शन है। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहां पर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको बैकग्राउंड क्लिप वर्टिकल का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप वर्टिकल लाइव की क्लिप को यहां पर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहां पर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको वर्टिकल वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग का अलग से ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का सीन यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आप देख रहे हो यहां पर एक वर्टिकल सीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वर्टिकल सीन पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमने वर्टिकल सीन यहां पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वर्टिकल सोर्सेज का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, इसमें आपको वर्टिकल सोर्स सिलेक्ट करना है। तो प्लस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर मैं अपना कैमरा सीन यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, जो मैं कैमरा यूज कर रहा था उसे मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। कैमरा न्यू पर मैं क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो वर्टिकल सीन था उसके अंदर हमारा ये कैमरा यहां पर दिखाई देने लगा है। अब मैं इसे आराम से सेट कर सकता हूं। अब मेरा जो फेस है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब जब भी आप अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो हमारी जो हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उसके साथ साथ अब हमारी जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग है वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर कैमरा सीन को ऐड कर दिया है। अब जो कुछ भी आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड करना हो, कोई भी टेक्स्ट ऐड करनी है, लोगो ऐड करना है या माइक ऐड करना है, वो सब आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। प्लस पर क्लिक करके जो भी आप ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें हमारा ये वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा सीन है ये हमारा हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग में अलग से चलता रहेगा, और ये जो वर्टिकल वाला सीन है ये हमारी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग हम अलग से स्टार्ट करेंगे उसमें ये सीन हमारा चलेगा। तो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपने YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर वापस जाना है और वहां पर कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप हमने किया था वो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहां पर लैंडस्केप मोड में चल रही है लाइव कंट्रोल रूम में। अब हमें वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी स्ट्रीम की जरूरत होगी। तो स्ट्रीम की हम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि जो स्ट्रीम की थी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग वाली वो तो हमने ऐड कर दी है अपने OBS स्टूडियो में। अब वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमें अलग से सेटअप करना होगा। उसके लिए यहां पर जो आप एरो देख रहे हो आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है, मैनेज पर क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है हॉरिजॉन्टल वाली वो यहां पर हमारी दिखाई दे
रही है। अब हम फिर से शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद एक नई लाइव स्ट्रीमिंग को क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इसका टाइटल हम दे देते हैं वर्टिकल लाइव। उसके बाद उसी तरह से सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आपको दे देना है। इसका जो भी थंबनेल वगैरह लगाना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग में सेटअप किया था उसी तरह से यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन वही सारे ऑप्शन यहाँ आएंगे, वो सब कुछ सेटअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो फिर से। और उसके बाद यहाँ से प्राइवेसी वगैरह सिलेक्ट कर लो, मैं इसे अनलिस्टेड पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहाँ पर आ चुका है और ये डुप्लीकेट स्ट्रीम की ये ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ पर एक नई स्ट्रीम की क्रिएट कर लेनी है। नई स्ट्रीम की क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रीम की का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, आपको एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद इसमें आपको क्रिएट न्यू स्ट्रीम की का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर स्ट्रीम की का कोई भी नाम दे दो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वर्टिकल। उसके बाद आपको इसे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे एक नई स्ट्रीम की यहाँ पर आपकी जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक नई स्ट्रीम की अलग से हमारी जनरेट हो चुकी है। इस स्ट्रीम की को हमें कॉपी कर लेना है और वापस जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। OBS स्टूडियो पर वापस आने के बाद अब आपको इस वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का जो सेक्शन है इसके नीचे जो सेटिंग का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको इसका नाम दे देना है, मैंने इसका नाम दे दिया यूट्यूब लाइव। उसके बाद सर्वर का ऑप्शन आ रहा है और की का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो सर्वर का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको सर्वर URL पेस्ट कर देना है। पहले मैं यहाँ पर स्ट्रीम की पेस्ट कर देता हूँ। जो स्ट्रीम की अभी हमने वर्टिकल लाइव स्ट्रीम वाली नई स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की थी उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया और वापस जाएंगे अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका सर्वर URL दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्वर URL कॉपी कर लेना है और वापस जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। अब OBS स्टूडियो में यहाँ पर जो सर्वर का ऑप्शन था यहाँ पर हमें वो सर्वर URL पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर इनेबल का जो ऑप्शन आ रहा है इनेबल्ड, इसे आपको टिक कर देना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग थी वो तो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, तो वो तो अभी हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर चल रही है और ये है हमारी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग। अब मैं वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करना होगा तो यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमिंग का बटन आ रहा है इसे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जब भी आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो और आपको हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते। अब एक बार वापस फाइनली फिर से चलते हैं अपने YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर और देखते हैं दोनों लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल रही है या नहीं चल रही है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो ये हमारी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर चल रही है और इसी तरह से हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी हमारी यहां पर चल रही है। यहां देखो हमारे चैनल पर ये हमारी वर्टिकल लाइव टेस्ट यहां चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल रही है। अब लाइव स्ट्रीमिंग को यहां से आराम से कोई भी देख सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने YouTube चैनल पर एक ही लाइव स्ट्रीमिंग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से चला सकते हो और काफी अच्छी खासी रीच प्राप्त कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।